Dear respected students and audience, Assalamu Alaikum. Today we are going to discuss our topic that is standard form. Okay, and standard form is also known as scientific notation uh, in some cases. And uh, you have to keep in mind there are two forms that is, one is the ordinary form, and the next one is the standard form. एंड ऑर्डनरी फॉर्म इज लाइक फिफ्टी थाउजेंड इन ऑर्डनरी फॉर्म जो हम नॉर्मली जो है वो यूज कर रहे होते हैं नंबर और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें टेन रेस टू पावर कुछ हम लिखते हैं बट कीप इन माइंड दाम इज ए मल्टीप्लाई बाई ट एन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ए है आपका इनके जो आपके पास यहाँ पे नंबर होगा टेन ठीक है जी इसमें मतलब है कि वन से कम नहीं होना चाहिए पॉइंट्स में यहाँ पे वैल्यू नहीं होनी चाहिए और मोर देन टेन वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी और नेक्स्ट वन इज एन इज एन इंटीजर सो इंटीजर में भी जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू अपू सो ठीक जी अब आपके पास नेक्स्ट वन इज सपोज इन सच केसेस वी हैव टू डिस्कस द एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म now some examples are here for example 50000 and you have to convert this uh, ordinary form into standard form so that will be बी फाइव मल्टीप्लाई बाई टेज टू पावर फोर जितनी जीरोज हैं उतनी टेन की पावर बन जाएगी इसी तरह देखें यह लिखा हुआ है फाइव हंड्रेड hai एट पॉइंट थ्री तो अब पॉइंट यहाँ पे है और ये वैल्यू जो है दिस इज मोर देन टेन इसको हमने अगर सम्भाल देन टेन करना है तो हम इसको तो डेसिमल है उसको रिमूव करेंगे टू लेफ्ट साइड ये आपका साइन ऑफ एरो बना हुआ है लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो आप देखेंगे डेसिमल पहले था एट के बाद अब आपका डेसीमल है वो फाइव के बाद होगा तो इन दरमियान में जो डिजिट्स हैं वो हैं दो डिजिट्स तो आपके पास तो हम इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे दैट विल बी फाइव मल्टीप्लाई बाई सेवन एट थ्री मल्टीप्लाई टू पावर टू ठीक है जी फाइव पॉइंट सेवन एट थ्री मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइर टेन डिस्ट्रिक पावर टू अब एक चीज़ आपने इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि हम जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे होते हैं तो कभी हमें पॉजिटिव मूव करना पड़ता है और कभी हमें सॉरी राइट मूव करना पड़ता है और कभी हमें लेफ़्ट मूव करना पड़ता है तो अगर हमें लेफ़्ट मूव करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी ऐड करेंगे और अगर राइट right मूव करना होगा तो पावर क्या होगी नेगेटिव इसका और कॉन्सेप्ट को में रखिएगा अब नेक्स्ट हमारे एक हमने बात की हुई है जीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो सेवन एट अब देखेंगे जो वैल्यू है जिस इज़ लेस देन वन तो हमने जहर इसको मोर देन वन बनाना है तो so, पॉइंट जो है वो राइट right साइड पे मूव होगा और तो देखिएगा पॉइंट पहले जहाँ पे था और अब जहाँ पे हमने प्लेस करना है उसके दरमियान में तीन डिजिट्स हैं तो डेट वाई वी विल राइट एट सेवन पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाई टेन डिस्टू पावर माइनस थ्री ठीक है अगर आप लेफ़्ट मूव करेंगे तो पावर पॉजिटिव और अगर आप लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो पावर नेगेटिव होगी सिमिलरली सेकेंड पार्ट इसमें हमने दिया हुआ है कि अगर आपने एक वैल्यू दी हुई है और उसको आपने नॉर्मल फॉर्म में या ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है दैट इज़ फाइव पॉइंट सेवन एट थ्री मल्टीप्लाई बाई टेन डेज टू पावर टू ठीक है जी अब देखिए इसका हमने डेसिमल मूव करने के लिए क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है टेन डेज टू पावर टू है इसका मतलब है कि हमने मोर देन टू डिजिट इसको आपने राइट right मूव करना है वैल्यू को हमने इंक्रीज करना है सो दैट विल बी फाइव हंड्रेड सेवेंटी एट पॉइंट थ्री यानी टू डिजिट जो है वो राइट मूव हो जाएगा नेक्स्ट वन इसवन पॉइंट एट मल्टीप्लाई टेन रिस्क पावर माइनस थ्री अब देखिए टेन रिस्क पावर माइनस थ्री का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो वैल्यू आपकी है वो कम हो जाएगी यानी लेस देन वन बनेगी तो हम इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और थ्री डिजिट्स लेफ्ट लेके जाना है तो अब देखें पॉइंट के बाद यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है तो इसका मतलब है हम पॉइंट के बाद यहाँ पे दो जीरो अपनी तरफ से लगाएंगे सो दैट विल बी ज़ीरो पॉइंट zero zero seven eight